हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, कल जो मैंने गार्डनिंग के वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ अपने घर में बना के। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैं उसकी जानकारी कि मैं अपने घर से क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में। तो देखिए, मैंने आज सुबह ही आलू बनाए हैं, आलू की सब्ज़ी। तो ये जो इसके छिलके निकले थे ये मैंने पानी में डिप कर दिए हैं, ये ऐसे। इसका जितने भी छिलके थे सब मैंने पानी में डिप कर दिए हैं। और ऐसे आप किसी भी टाइप का कंटेनर घर में पड़े रहते हैं वेस्ट, इनका यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें तीन दिन तक रखना पड़ेगा। 3 दिन के बाद में इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद जो इसका लिक्विड होगा उसमें हम डबल मात्रा में पानी मिला के अपने पौधों में देंगे। तो ये हमारे एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और इसके बारे में बताऊंगी, इसके गुण काफ़ी सारे होते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र अब मैं बनाने जा रही हूँ, ये प्याज के छिलके हैं, प्याज काटी थी मैंने, ये इसके छिलके हैं। इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था वेस्ट। प्याज में ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसको फुल कर दिया है। अब डेली मैं जो प्याज का छिलका मेरा निकलेगा वो उसमें मैं डालती चली जाऊंगी। और 3 दिन बाद मैं आपको अपने ये वीडियो शेयर करूंगी, ये जो मैंने प्याज का इसका फर्टिलाइज़र बनाया है। और ये बहुत ही ज़्यादा, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस और बहुत सारे पोटाश वगैरह, बहुत सारे विटामिन्स इसके अंदर होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, बट लेकिन मैंने जब से ये अपने पौधों में डालना शुरू किया है, मेरे पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होने लग गई है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीन भी लगने लग गए हैं। इनके लीव्स जो पीले पड़ रहे थे वो अब अच्छे हो गए हैं, ग्रीन हो गए हैं, उनमें शाइन भी आने लग गई है। कल मैंने जो आपको मनी प्लांट का पौधा दिखाया था उसमें मैंने ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र पहले बना के कितनी बार डाला हुआ है। मैं इनको हर 15 दिन में एक बार डालती रहती हूँ, और मैं डालने का तरीका भी आपको शेयर करूँगी कि किस तरीके से इसको डालते हैं। जब मेरा 3 दिन बाद ये फर्टिलाइज़र, 3 दिन बाद जब ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होगा तब मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगी फ्रेंड्स। और मैं दिखाती हूँ आपको दोस्तों, चावल का पानी जो होता है वो भी एक तरह का फर्टिलाइज़र होता है। तो ये मैंने चावल भिगोया था लगभग आधा घंटा पहले। जब भी आप चावल बनाते हैं, दाल और चावल दोनों का पानी, जो पहला वाला पानी होता है उसको आप ऐसे चावलों को मलमल के साफ़ कर लीजिए ऐसे हाथों से। और ये जो वाइट इसका पाउडर निकलता है पानी, तो ये मैंने इसको अच्छे से मलमल के साफ कर लिया है। ये देख सकते हैं आप ऐसे अच्छे से। ये जो हमारा चावल का पानी होता है या दाल का पानी है, ऐसे कोई भी आपके घर में डब्बा रखा है, ये मेरा हनी का डब्बा है, खाली डब्बा शहद का, इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये जो मेरे चावल का पानी इकट्ठा हुआ है, दाल जब मैं दाल बनाऊँगी, दाल धोऊँगी उसका पानी भी इकट्ठा होगा, इसको मैं इकट्ठा करूँगी। और यही पानी फिर 3 दिन बाद मेरा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। इसको भी मैंने उसी डबल उसमें बना के दिखाना है। जब ये तैयार हो जाएगा फर्टिलाइज़र तब मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तीनों तरह का फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया। आज ये 3रा दिन है मेरा, मैंने आपको बोला था कि 3रे दिन में आप दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने शेडेड एरिया में छत पर ला के रख दिया था, और इसीलिए मैं बोलती हूँ आपसे, पहले भी मैंने कहा है कि आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको बताना भूल गई थी पहले दिन में कि इसको मुझे बीच बीच में आके चलाना था, तो मैंने तो चलाया था ये बीच बीच में आके। हर दिन आप आएंगे बीच में आके चला देंगे ऐसे, और शायद आपने नहीं चलाया होगा लेकिन आगे से ध्यान रखिए ऐसे, ताकि इसके सारे जो गुण हैं वो पानी के अंदर आ जाएं ऐसे। और थोड़ा सा इसको ढककर भी रखना है, मैंने ढक के रखा था, हल्का सा ऐसे करके छोड़ना है लूज़ करके,
मक्खी मच्छर वगैरह इसमें ना रहे आए, इसलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको छान के सबका सबको अलग अलग। ये देखिए ये मेरा चावल वाला था, ये देखिए इस तरह से तैयार हुआ है। ये प्याज वाला है, ये देख सकते हैं सारा कलर इसके अंदर आ गया, सारे पोषक तत्व इसके अंदर आ गए हैं। और ये है आलू वाला, ये आलू वाले के अंदर कितना गाढ़ापन है। तो ये फ्रेंड्स हमारे फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। फ्रेंड्स पौधों के लिए फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा असर करता है, और इसकी खासियत यह है कि आप किसी भी मौसम में डाल सकते हैं, गर्मियों में भी और ठंड में भी। इसका पौधों के लिए कभी कोई नुकसान नहीं होता, बहुत फ़ायदा करते हैं ये इस तरह के फर्टिलाइज़र जो होते हैं पौधों में। जिस तरीके से आप बीमार होते हैं और आप दवाई खाते हैं लेकिन आप टैबलेट लेते हैं तो वो इतनी जल्दी असर नहीं करती, लेकिन आप कोई सिरप लेते हैं तो वो तुरंत आपको असर देता है। उसी तरीके से मिट्टी के अंदर जाते ही आपको अपने आप जो आपके पौधे होंगे उसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा, फ़ायदा नज़र आएगा। तो देखिए मैं इसको किस तरीके से तैयार करती हूँ। ये देखिए मैंने खाली गमला ले लिया है। इसका यूज़ करने का पौधों में तरीका ये है कि जैसे ही मैंने ये वाला लिया है एक ग्लास, तो आप इसमें लगभग 5 से 6 ग्लास पानी इसके अंदर डाल देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुना पानी इसमें डाल देंगे, यानी कि 1 लीटर के अंदर आप 5 या 6 लीटर पानी डालेंगे। उसके बाद इसको आप पौधों में डालेंगे। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपके पौधे जल सकते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये बात आप दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में ये नहीं डालना है, नहीं तो आपको ये फ़ायदा करने की जगह नुकसान करेगा। जिस तरीके से किसी बीमार व्यक्ति को ओवरडोज हो जाती है तो उसको नुकसान करती है। 1 चम्मच सिर्फ डॉक्टर ने बताया है, तो आप 1 चम्मच की जगह 4 चम्मच लेंगे एक दिन में तो आपको नुकसान करेगा। उसी तरीके से ये भी होता है, इसकी जो क्वांटिटी होती है ये इस तरीके 10 गुना। ज़्यादा गर्मी है तो आप इसके अंदर 10 गुना पानी डालेंगे, और अगर कम गर्मी है जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो मैंने इसमें 6 गुना पानी डाला है इस तरीके से। तो आइए फ्रेंड्स मैं डालना बताती हूँ आपको। इसको लिक्विड फर्टिलाइजर को डालने से पहले पहले आप अपनी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। देखिए थोड़ी ठोस हो रही है, पहले आप गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 इंच के बीच की करनी है बस, है ना। किसी भी नुकीली चीज़ से कर देंगे और जड़ को छोड़ के सिर्फ किनारे किनारे पे, ताकि जो हमारे फर्टिलाइज़र के पोषक तत्व हैं वो अंदर तक पूरे गमले में चले जाएँ। जड़ छोड़ देनी है आपको, नहीं तो आपकी जड़ कटने का डर होता है। देखो अब आप इसको धीरे धीरे आप ऐसे डाल सकते हैं गुड़ाई करके। ये दूसरा गमला ले लेते हैं। सभी गमलों में आप 15 से 20 दिन में गुड़ाई कर देंगे। ऐसे गुड़ाई करने से इनको पोषक तत्व जो खाद होती है वो पूरी मिलती है, नहीं तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगी। इसमें डाल देते हैं सारी मिट्टी। इसकी गुड़ाई मैंने अभी कल ही करी थी, सारी मिट्टी मुझे सूखी पड़ी है। फ्रेंड्स ये तो 6 गुना पानी मैं इसमें भी डाल देती हूँ। आप हर 15 दिन में ये इस तरह का लिक्विड खाद डाल सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र इस टाइप की। और वैसे तो ये वाली आप 10 दिन में भी कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र जो होता है लिक्विड फॉर्म में और भी कई तरीके का होता है, अभी आपको मैंने सिर्फ 3 तरह का बनाना बताया है, आगे मैं और भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और एक पौधे में एक समय में आप एक ही तरह का फर्टिलाइज़र डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका रिज़ल्ट आपको पता चलेगा तुरंत ही।
ये नाइट्रोजन से भरपूर होता है। ये वाला प्याज का मैंने बताया था, इसको आप मनी प्लांट में ज़रूर डालिए, इसका तुरंत रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए विदा लेती हूँ, फिर आगे आपकी अपनी कुछ प्लांट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी।